क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन ये है, इन द फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी और सी डी दो लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट पर। इफ ए ओ सी एंड बी ओ ई 70 डिग्री, इफ ए ओ सी एंड बी ओ ई मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 70 डिग्री हमें गिवन है और एंड बी ओ डी 40 डिग्री है। बी ओ डी 40 डिग्री है, फाइंड बी ओ ई, हमें फाइंड करना है बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई का मतलब ये नहीं हुआ कि हमें ये अंदर वाला एंगल फाइंड करना है। जब भी बोले रिफ्लेक्स, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल अगर हमें फाइंड करने के लिए बोले तो उसका जो बाहर वाला एंगल है ना वो फाइंड करना होता है। दैट मीन्स जो एंगल सी ओ ई है इसके जो बाहर वाला एंगल है वो यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ, मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन इस वाले एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले ये वाला एंगल, जिस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है वो हमें पहले पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमें नहीं पता तो पहले हम सी ओ ई का रिफ्लेक्स सी ओ ई का एंगल निकालेंगे, देन रिफ्लेक्स एंगल 360 में से माइनस कर देंगे। ये सब मैंने बेसिक वीडियो में बता रखा है। इस चैप्टर का जो बेसिक है, इंट्रोडक्शन है, वो मैंने बता रखा है। आप प्लीज़ उन सारी वीडियोस को जाकर देखें, आपके बेसिक क्लियर होंगे तब क्वेश्चन पर आना। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब ये जो सी ओ ई है ये किस लाइन पर है? ए बी लाइन पर लाई कर रहा है ये एंगल। तो हम इस लाइन पर कौन कौन से एंगल लाई कर रहे हैं? ए ओ सी, सी ओ ई एंड बी ओ ई। हम इन तीनों का लिख लेंगे क्योंकि जो इन तीनों का सम है वो 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री क्यों होगा? लीनियर पेयर के वजह से। तो ऑन लाइन ए बी कौन कौन से एंगल है? ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, ये सब किसके इक्वल हो जाएंगे? 180 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? लीनियर पेयर। और ये लीनियर पेयर से क्यों होंगे? ये लीनियर पेयर मैंने ये सब आपको बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है, आप उसमें जाकर अपना बेसिक क्लियर करिए। तो अब हमें पता है कि जो AOC और BOE है 70 डिग्री है। दैट मीन्स जो AOC और BOE है ये कितना है? 70 डिग्री हमें गिवन है। प्लस एंगल COE हमें पता नहीं है, हमें निकालना है और इनका सम 180 डिग्री है। तो अब एंगल COE को हम इधर ही रखेंगे और जो 70 डिग्री है उसको इधर लाकर माइनस कर देंगे। अब जब इसको हम माइनस करेंगे तो माइनस कर आएगा ये एंगल COE आ जाएगा 110 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो एंगल है सी ओ ई ये हमने फाइंड आउट कर लिया 110। लेकिन हमें सी ओ ई नहीं निकालना, हमें रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई निकालना है। तो जब भी हमें किसी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना होता है हमें उसे 360 में से माइनस कर देना होता है। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 360 माइनस 110। अब 110 110 क्यों लिया? क्योंकि हमें इसी का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। जिसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है उसी को ही माइनस करते हैं। तो अब हमें यहाँ पर किसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है? एंगल सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। इसलिए हमने 360 में से एंगल सी ओ ई जो कि हमें 110 हम निकाल चुके हैं उसे माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो 250। तो हमने एक चीज तो निकाल ली, हमने रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई निकाल लिया। अब हमें निकालना है एंगल बी ओ ई। अब बी ओ ई कौन सी लाइन पर लाई कर रहा है? सी डी पर लाई कर रहा है। आप देख रहे होंगे सी डी पर लाई कर रहा है। तो अब सी डी लाइन पर, ऑन लाइन सी डी कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? सी ओ ई, बी ओ ई एंड बी ओ डी। अब हमने इसमें से सी ओ ई एंगल हमें पता है क्योंकि हमने फाइंड आउट कर लिया है। एंगल बी ओ डी हमें पता है 40 जो कि गिवन है और हमें बी ओ ई फाइंड आउट करना है। तो हम इसको भी सेम जैसे हमने सी ओ ई निकाला वैसे निकालेंगे। इन तीनों एंगल का सम यानी सी ओ ई प्लस बी ओ ई प्लस डी ओ बी इन तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? लीनियर पेयर के वजह से हो जाएगा। और लीनियर पेयर क्या होते हैं ये मैं पिछली वीडियोज में बता चुकी हूँ, गो एंड चेक दैट वीडियोज। तो अब हम इसको लिख कर करते हैं
ऑनलाइन सीडी कौन कौन से एंगल थे? सीओई प्लस एंगल बीओई प्लस एंगल बीओडी, इनका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री क्यों हो जाएगा? जस्ट बिकॉज दे ऑल आर लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। ठीक है, यहाँ पर ये हमें बताना पड़ेगा कि क्यों 180 डिग्री हो जाएगा। अगर आप ये बताएंगे नहीं तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, तो रीजन जरूर दीजिए कि किस वजह से हमने इनका सम 180 डिग्री करा है, या मतलब आगे भी हम और क्वेश्चंस करेंगे कौन से एंगल है, लीनियर पेयर है, एक्यूट एंगल है, सब हमें डिस्क्राइब करना ही पड़ेगा। तो हमने सीओई को फाइंड आउट करा था, क्या आया था? 110 हमें फाइंड आउट करना है, बीओई हमें फाइंड आउट करना है, तो एज इट इज बीओई को हम लिख देंगे, और जो बीओडी है हमें 40 ऑलरेडी गिवन है, तो 180 डिग्री इनका टोटल। अब इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 150 हो जाएगा ये, प्लस एंगल बीओई इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल बीओई को हम इधर ही रखेंगे, और 180 डिग्री माइनस 150, ये 150 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो जो एंगल BOE था हमारा निकल गया 30 डिग्री। हमें निकालना था एंगल BOE जो कि आ गया है 30 डिग्री, एंगल COE का रिफ्लेक्स ऑफ COE निकालना था हमें, जो कि हम निकाल चुके हैं 250 डिग्री। अगर आपको वीडियो में जो क्वेश्चन मैंने समझाने की कोशिश करी है समझ आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। लॉकडाउन में आप घर बैठकर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।